कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तालिबानी प्रदेश बना दिया है, पीट पीट के लोगों की हत्याएं की जा रही है, पत्थर से कुचल कुचल के लोग मारे जा रहे हैं। धार की घटना में जो मुझे जानकारी मिली है, वो लोग जिनको मारा गया है पुलिस को सूचना देके गए थे कि हम अपने पैसे लेने वहां जा रहे हैं, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन पुलिस सोती रही और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई जिसकी मध्य प्रदेश के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। आखिर कहां जा रहा है मध्य प्रदेश कमलनाथ जी? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल खड़ा हो गया है, क्या पुलिस धर्म जाति और पंथ पूछ के कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस के हाथ बांध दिए गए? क्या कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी अगर कहीं कार्रवाई करते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, उनको सजाएं दी जाती है? क्या हो रहा है मेरे प्रदेश को? चारों तरफ तबाही है, जंगल राज है, और ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठा जा सकता। एक तरफ दलित नौजवान को जिंदा जला दिया गया सागर में, सारे अपराधी नहीं पकड़े गए, भावी पंथ देख देख के कार्रवाइयां होती है। एक तरफ छिंदवाड़ा जिले में एक आदिवासी बिटिया को रैप करके मार दिया गया, दलित जिंदा जल रहे हैं, आदिवासी बेटियां मारी जा रही है, तालिबानी तरीके से हत्याएं हो रही है, कमलनाथ सरकार सो रही है, आईफा के आयोजन में व्यस्त है। अब तो ये लगता है कि मांग भी करें कि ना करें इस सरकार से, क्योंकि तो कान में तेल डाल के सो रही है। ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार की जवाबदारी, अब तो उठे और कार्रवाई करें।